पानी पी रही हो? छलक गया पानी? पानी छलक गया? नहीं, ऐसे टपक रहा था। वही मैं बोलूं कि गाड़ी उछली है तो पानी तो निकल ही आया होगा। आपने जो आवाज की थी ना, उससे पानी निकला। मेरे को पता है कि ये आशा के आना मुझे बंद दिखता है और जो दूसरे की बगल की दुकान है आशा के आना खुली हुई दिखती है। बगल की जो दुकान है, हाँ उसके बगल की। भीड़ है देख, अब इस टाइम ऑफिस गोइंग है ना सब। सो इट्स 10 o'clock गाइज एंड हम लोग जा रहे हैं। गाइज फ्रेंड्स, गाइज ही आजकल फ्रेंड्स हो गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पाकी के स्कूल, मेरा रिजल्ट देखने। सरप्राइज तो पाकी पहले रहने ही नहीं देती है कुछ। मैंने सोचा था रिजल्ट मिल जाएगा उसके बाद बात करेंगे, बट उसने बता दिया चलो ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं पाकी का रिजल्ट देखने और फिर वहाँ से आने के बाद फिर आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ। बाकी आर यू अफ्रेड? नर्वस। चलो मिलते हैं फिर। तो घर वापस आ गए हैं और आप घर की शांति देख के अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्ट का क्या हाल हुआ होगा। तो मैं अपने मुंह से क्या ही बोलूं आज, आप लोग समझ जाइए। तो चुपचाप काम कर रही है, डांट पड़ी है खूब जोर से, यानी रिजल्ट तो बहुत अच्छा नहीं आया है। उठी क्यों अपनी जगह से? हाँ, अपनी जगह से क्यों उठी? मेरे पीछे पीछे घूम रही है। चल मैं काम कर, चल मैं काम कर, जा मैं काम कर ले। मत कर, मेरा मत ले। नहीं तो मैं देखना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, याद रखना चाहती हूँ कि तुम टाइम कैसे वेस्ट करती हो। किसी को टाइम वेस्ट करना बोलते, लिखते टाइम पन्ने फाड़ा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जल्दी फिनिश करो ना। पेन कहाँ गई? हाँ देखा, सामने पेन पड़ा, नहीं दिख रहा है। ये वाली नहीं, ये वाली। हाँ तो अभी तो सामने ही पड़ा हुआ था ना। Hours later. तो फिर आज खाने में कुछ खास नहीं बना है, ये आलू बैंगन की कुकर में ही बनाई हुई सब्जी है ग्रेवी वाली, अच्छी लगती है बहुत, रोटी के साथ मुझे बहुत पसंद है। बट आज मूड थोड़ा गड़बड़ है तो फिर आज क्या ही बोलूँ आप लोगों से। ठीक है, अब खाना खा ले रहे हैं, पाकी को भी दिया है, उसकी दादी को दिया, वो लोग खा रहे हैं। मैं एक्चुअली पूरा रिकॉर्ड करना भूल गया, उस टाइम मूड इतना अपसेट था ना, तो रोटियां जो बच गई हैं उसको मैं रख देती हूँ उसके अंदर। तो है ही, एक मिनट। हो गई है शाम और शाम को कुछ खाना है, पाकी को बोल रही थी। तो मेरे को ये मखाने रखे थे, इनको मैंने घी में भून लिया, चाय बन रही है और यहाँ पे चाय बना के मैं ऊपर ले आई। और यहाँ पे मोदी जी का जो कार्यक्रम आ रहा है ना, जो महाबलेश क्या बोलते हैं इसको, भगवान माफ़ करना इतनी गलतियाँ बोलती हूँ, तो ये उज्जैन आए थे महाकाल में उसका इनॉग्रेशन करने। तो वही हम लोग देख रहे थे प्रोग्राम और प्लानिंग भी कर रहे थे यहाँ जाने की, देखते हैं कब जा पाते हैं। बहुत इच्छा है, एक बार ही गई हूँ मैं उज्जैन महाकाल के मंदिर, और अब जब सुना है कि बहुत अच्छा कॉरिडोर बन गया है तो जाएंगे एक बार फिर से, जाएंगे पाकी को लेके जाएंगे। तो यही प्रोग्राम देख रहे हैं और चाय और मखाने खा रहे हैं। मखाने मैंने भून के रख लिए सारे जितने भी थे मेरे पास, ये पाकी स्कूल खुल जाएंगे तो
तो फिर सुबह जो फ्रूट ब्रेक होती है तो उसके लिए बोलती है मेरे को मखाने दिया करो। कई बच्चे लाते हैं तो उसको फ्रूट्स नहीं ले जाना है, उसको मखाने ले जाना है। जो लोगों के पास देखती है ना वही उसको लेके जाना होता है। तो ये प्रोग्राम देखते देखते मैं सोच रही हूँ आपसे बातें भी कर ही लेती हूँ। चाय वाय पिए सुबह के वो ड्राई फ्रूट्स जो मम्मी भिगा के रखती है, क्या है बादाम वो, तो इनको हम खाएंगे अभी। तो ये है पाकी का प्रोजेक्ट, हम बना रहे थे सोचा आप लोग से शेयर कर लूँ। तो ये सारा काम भी लगे हाथों करते जाना पड़ता है। शाम के टाइम लेके बैठती हूँ जब थोड़ी फुर्सत होती है और वीडियो एडिट नहीं करना होता। वीडियो एडिट करो या देखो, आप रिकॉर्ड भी करती हो ना तो पाकी बहुत डिस्टर्ब करती है आके, वो बीच बीच में आके उछलने लगेगी लेने लगेगी। फिर भी मैंने इसका रिकॉर्ड कर लिया कि बाजू में बैठ के वो ना लिख रही है, और भी इसको काम दे के रखा है कि इस तरह से और भी बनाते जाओ। तो लिखने का काम उसने किया, चिपकाने का मैंने किया, उसको बताया कि किस तरह की फ़ाइल बनाओ। तो ये हम करते रहते हैं शाम का। इसको ऐसा लगता है ये बहुत छोटा काम है बट ये बहुत बड़ा काम है गाइस। मैं मतलब थक जाते हैं बैठे बैठे, दिमाग लगाना पड़ता है खूब कि क्या करना है। अब हो गया डिनर का टाइम। डिनर में बनाया है मैंने ये मूंग दाल और रोटी, और ये सब्जी जो है ना ये कल की रखी हुई थी, क्या है ये करेला आलू की सब्जी है। तो ये हम डिनर करेंगे फिर। बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में आपको यही नेचुरल जो रूटीन है वही मिलेगा, कुछ भी अलग से नहीं दिखाती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।